1, 2, 3, go. मैं कह रहा हूँ ये कार आप अगर आप रोड पे लेके निकल गए ना, मैं लिटरली कह रहा हूँ आप लोगों के रिएक्शन रिकॉर्ड करोगे लिटरली कैंट गाड़ी डी, मतलब इसलिए रुकवाई है क्योंकि गाड़ी देख के जो इसके अलॉयबल है ना, हाँ। उसका कलर है, माँ कसम दिल दिल खुश हो गया और है ना, मतलब बाकी जबरदस्त है यार। थैंक यू, मैंने तो पहली बार देखी है। सो भाई एज यूजुअल दिल्ली में ट्रैफिक, बट एज यूजुअल दिल्ली में हमें कौन मिला, रमन होरा, जो कि बिजी था अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। As usual. तीन दिन से वेट कर रहा हूँ, तीन दिन से, ठीक है। लेकिन कल छोटी सी ना कलोल हुई, ये भाई अपने लिए ना वो लेके आया था चिकन रोल, तो इसने मुझे ऐसे बोला नूर भाई चिकन रोल खा लियो, पीछे पांच चिकन रोल मैं लाया तेरे लिए था, मतलब उसमें दो पीस तेरे तेरे थे ना, मैं दो प्लेट लाया था, एक तेरे लिए एक अपने लिए, बट वो सारी मिक्स पड़ी थी ना, तो एक प्लेट में होते हैं दो, तो पता नहीं पांच पड़े थे शायद, एक इसकी फ्रेंड का था उसने एक खाया होगा, तो एक मतलब टोटल पांच पड़े थे। भाई मैं खाना शुरू करा, मैंने पूरे के पूरे पांच निपटा दिए। अभी ये मुझे कह रहा मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि जरा यार पीछे से वो पास करना, भाई बंदे को याद होता है ना कि मेरा खाना पड़ा पीछे, उसने कहा पीछे तो कुछ पड़ा नहीं। भाई ने पीछे मुड़ के देखा कुछ पड़ा ही नहीं, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं आगे चलते हैं, फिर मैं भूखे पेट सोया कल रात को, कुछ चल कोई नहीं आज मैं इस कल ये भूखे पेट सोया, तो आज मैं इसको पेट खिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मैं इसे कह रहा हूँ स्टारबक्स चल ले, कह रहा मैं जा नहीं रहा, पता नहीं पहले तो खा लेता था, आज इसे कह रहा तेरे पैसे नहीं बर्बाद कराने, मैं कभी भी नहीं खाता ना, मेरे को स्टारबक्स पसंद ना टिम हॉर्टन्स, तो क्या चल थर्ड वेव करना, चलना थर्ड वेव क्या आ गया, पहले बता पैनकेक्स पसंद है, चल खिलाते हैं तेरे को, बता पैनकेक्स पसंद है, जल्दी बोल, देसी बंदा हूं, मेरे को खाना चिकन, वो भी देसी 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 है, चिकन रोल मटन रोल, बात खत्म, अभी से खिलाऊंगा ना नूर भाई, ये क्या खिला दिया भाई, अगली बार तो मैं भी यही खाऊंगा, पापा को भी खिलाऊंगा। अब यार नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं रमन भैया कुछ भी ले सकते हैं, ये होमलैंड में फ्लैट भी ले लेंगे, पापा अगली गाड़ी भी ले लेंगे, बाकी भाई आज थोड़ा स्पेशल दिन है, आज हमारी जो गाड़ी है होपफुली वो आज मिल जाएगी जो रैप होने गई थी, वैसे हमें 7 बजे जाना था, बट कुछ इशू के कारण, मतलब ये बारिश हो जाती है ना, बारिश के कारण हमारा पेंट सूखा नहीं, तो भैया ने कहा कि 10-10:30 बजे की करीब। मैं तो कहता हूँ भैया इस इंसान के चक्कर में मत रहे ना, मैंने सो कल बोला भाई कल रमन हम ना कल ना सुबह 12 बजे निकलेंगे एग्जैक्ट, मैं ठीक है आज की बात बता रहा हूँ, सुबह 12 से 1 भाई साहब कहते हैं रमन 3 बजे निकलेंगे, भाई क्या सीन है भाई, 4 बजे निकलेंगे भाई, क्या सीन है भाई, 5 बजे निकलेंगे, अब 7, अब 9:30, बेचारा मेरे साथ मेरा दोस्त आ रखा है वो भी अटक गया, वो भी अटक गया मैंने, लेकिन अब सुबह निकलेंगे 11 बजे, मेरे को तो तेरी कल की भी उम्मीद नहीं है, तेरे को क्या करना है, तूने रात को क्रिप्टो चलाना है, ट्रिप फ्री। दिल्ली हम थर्ड वेव आए, हमने अपने लिए मंगाया पैनकेक, एक चारकोल चिकन और एक मैंगो शेक। हाँ भाई ये देखो फिर स्नैपचैट शुरू, स्नैपचैट 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 क्या ही है, कहीं से भी कोई भी आ रहा, कैसे भी जा रहा। बाकी भाई रमन पैनकेक समझ नहीं आए, सही में नहीं आए, देसी बंदे को सही नहीं समझ रहे हैं, अभी ना 10:30 बज रहे हैं और भाई गाड़ी दिखाने को मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना, इतना एक्साइटेड, थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि थोड़े बहुत मेजर चेंजेस थे, बट भाई मैं आपको बता रहा हूँ चीजें एंड हो चुकी हैं, तो एक बार जो भैया काम कर रहे हैं वो काम निपट जाए उसके बाद हम आपको गाड़ी दिखाते हैं। बाकी रमन एज यूजुअल लड़कीबाजी चल रही है फुल ऑन, काम घूम की दिक्कत है नहीं, बस कभी इस लड़की को नंबर डायल, कभी उस लड़की को नंबर डायल। ओए तो द्वारका भी तो लड़की से मिलने जाना है, तो उठ जाओ, तो क्या होती है, तो द्वारका क्यों जा रहा है, द्वारका क्यों जा रहा है, इसका घर है भरत का, भरत का घर है, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो भाई फाइनली टाइम आ चुका है, हमारी गाड़ी जो है वो रिवील होने वाली है। हाँ रमन वैसे तूने गाड़ी देख ली है ना, है ना? Excited, बहुत, बाकी भैया पाजी ने बहुत बढ़िया काम करा है, बाकी आप लोग मेन जज करोगे कि भाई काम कैसा हुआ है। भैया पाजी ने दो दिन में भाई गाड़ी दे दी मेरे को पूरी की पूरी, और पाजी एक नंबर काम किया है, थैंक यू पाजी। बस यही है कि मेरे को बस इनका था कि इनका मेरे को गाड़ी पूरी कंप्लीट करनी थी, और अगर कल को कोई आफ्टर अगर इनको कोई दिक्कत भी आती है तो मैं इनको बोल दिया आप कभी भी दुकान पे स्टूडियो पे आ जाओ और वो अपना आके रिप्लेस कराओ भाई। बाकी भैया ने इतना सपोर्ट किया है, मैं आपको बताता हूँ, आपको जैसे मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि भाई मैंने गाड़ी यहाँ पे दे गया, तो भैया मुझे कहते हैं मेरी होंडा सिटी ले जा, मैंने कहा भैया होंडा सिटी में किसी की गाड़ी चलाता नहीं हूँ, भाई भैया इतने नाइस है, भैया ने होटल गाड़ी पहुंचा दी, सो दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्टर, माय प्लेजर सर। भाई छोटी छोटी चीजें होती है जो लाइफ में मैटर करती है। बाकी अब आपको ना गाड़ी दिखाते हैं, फिर गाड़ी का रिवील हम शुरू कर रहे हैं भाई, मतलब गाड़ी ना मेरे को तो देखो पर्सनली एक नंबर लगी है, मेरे को नहीं पता आपकी क्या चॉइस होगी, मेरे को गाड़ी लगी एक नंबर, हर बंदी की अपनी चॉइस है। तो भाई गाड़ी करते हैं रिवील, भाजी मैं 1, 2, 3 करूंगा एंड
पीछे हम गाड़ी को वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, अनरैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनव्हील कर देंगे, अनबॉक्स कर देंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको गाड़ी कैसी लगी। बाकी जिसने ये गाड़ी करी है ना, भाई देखो हम तो गाड़ी पे एंजॉय करने वाले हैं, बट जिसने मेहनत करी है, मेहनत किसने करी है, भैया ने, अंकित भैया ने, थैंक यू जी, है ना, तो भैया ने काम पूरा एक नंबर कर दिया। तो अगर आपको कुछ भी भैया की दुकान से कराना है तो मैं सब कुछ नीचे मेंशन करने वाला हूं, ठीक है। बाकी बोर्ड भी मैंने फ्लैश कर दिया, आप चेक कर लेना भैया का नंबर, या आपका ही नंबर है ना भैया साइड पे, तो भैया का नंबर है तो आप भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी भैया अगर हमारी तरफ से जितने भी लोग आएंगे साहिब का नाम लेके, तो उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। हैवी डिस्काउंट है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सर। आप तो आप ये मैंने अभी बोलो कराने नहीं, नहीं सर, बिल्कुल सर। अगर आप साहिब नूर सिंह ब्लॉग्स का या आप साहिब नूर सिंह का आप पाजी का नाम लेके आओगे, आपके लिए फ्लैट डिस्काउंट है, इतना हैवी डिस्काउंट है, छोटे बोलने बोलूंगा सर आपको पूरे दिल्ली एनसीआर में अगर रेट मिल गया, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, इतना रेट मैं आपको डिफरेंस दे दूंगा अगर साहिब नूर सिंह ब्लॉग्स या इनका आप नाम लेके आओगे। बाकी भाई तेरे को कैसा लगा भाई रात को? मेरे को तो मजा आ गया। मैंने भैया को बोला भैया जो BMW में नया कलर नहीं है नाटो ग्रे, नाटो नाटो ग्रे, हां जी हां जी, मिट्टी वाला नाटो ग्रे, नाटो ग्रे वो कलर, बिल्कुल सर नाटो ग्रे। मतलब ऐसा पोलो भी ऐसी आपको अभी आपने देखी होगी, बहुत मैं दिखा दूं पोलो, बहुत बढ़िया मॉडिफाई कर रखी है, बस उसमें रैप कराना है। बाकी जो कल वाले व्लॉग में मैं देहरादून पहुंच चुका हूं, तो अवलीन और मैं लेके ना, मतलब अवलीन और मैं मिलके भाई बहुत नेक्स्ट लेवल शॉट्स लेने वाले हैं। तू कौन से शॉट लेके दे रहा? बढ़िया बढ़िया, तू लड़कियों से बात करना छोड़े तो बात हो ना। देखो काम हो गया, रमन ब्रो आजा, और अब अवलीन सही है भैया, वक्त वक्त की बात है। बाकी भाई मेरा तो इस टाइम पे मन कर रहा है कि मैं गाड़ी चलाऊं और ना लोगों के सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस रिकॉर्ड करूं। सर आप रिएक्शंस रिकॉर्ड करना, मैं लिटरली बता रहा हूं, अभी मैं लिटरली यहां से यू टर्न लेके आपकी कार का लेके आ रहा था, एक बंदे ने बोला ओ तेरी, मतलब लिटरली रिएक्शन था ओ तेरी। यार अभी इसका लिटरली बंपर लगना है, एक रैंगलर का बंपर, आगे की लाइट, ये रूबी तू गिफ्ट कर रहा है, तू गिफ्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये कार आप अगर आप रोड पे लेके निकल गए ना, मैं लिटरली कह रहा हूं आप लोगों के रिएक्शंस रिकॉर्ड करोगे, लिटरली कैंट गाड़ी बेसिकली, जिसका कुछ आप बोल नहीं पाओगे। भैया मैं आपको कैंट गाड़ी लग रही है, मैं कुर्बान बोलूं, मेरी हेल्प लग रहा है। हां जी मैं आपको एक जेन्युइन बता रहा हूं भाई, इसमें ना इतना पता नहीं लग रहा जितना एक नेकेड आई से पता लग रहा है, नहीं तो हमने जब फोटो देखी थी इतना नहीं पाजी, जेन्युइन नहीं पता लग रहा। डिफरेंस पता चलता है सर, नेकेड आई कैमरा लेंस का डिफरेंस आता है, बिल्कुल आता है, कलर में भी डिफरेंस, शेड में भी डिफरेंट आएगा। मिनी हेल्प लग रहा है, मिनी हल्क, तो हमने तो उसका नाम ही रख दिया, क्या रख दिया, हमारी गाड़ी का नया नाम भी हो चुका है, हमने नामकरण कर दिया हल्क। गाइस मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है भाई, फटाफट से जाओ उस पे, एटलीस्ट यार 50,000 लाइक्स तो करवा दो यार, फटाफट से जाओ, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, फैला दो इस गाड़ी को ना, वायरल कर दो बस, जैसे हमारी पर्पल सबसे ज्यादा पर्पल वायरल हुई थी वैसे भी ग्रीन वायरल होनी चाहिए बस, नीचे हल्क, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई। इन भैया ने अभी गाड़ी देखी, इन्होंने चलते हुए गाड़ी रुकवा ली। भैया कैसी लग रही है गाड़ी, जेन्युइन बताना। जेन्युइन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कसम से क्या कह रहे भैया, लुकिंग सो गुड डी, मतलब इसने रुकवाई है क्योंकि गाड़ी देख के जो इसके अलॉय व्हील है ना, उसका कलर है, माँ कसम दिल खुश हो गया, और है ना मतलब बाकी जबरदस्त है यार। थैंक यू, मैंने तो पहली बार देखी है, यूनिक है, बिल्कुल यूनिक लगा था। मैंने पास्ता मंगाई है, इसने तो अफगानी चाप भेज दी भाई, अफगानी चाप आई है, दाल मखनी, बटर चिकन, वाओ, फरी कढ़ाई, वो काली मिर्च वाला चिकन भाई, वाह। सो भाई इस टाइम ना मेरे गली की ऐसी जैसी, और गली कह रहा हूँ, गले की ऐसी जैसी हो रखी है, तो मैं अभी उठा हूँ 11 बजे, और कल वापसी आया था 6 बजे, रमन अपनी फ्रेंड से मिलने गया था, साथ में मुझे भी ले गया, तो बस वहाँ गुड़गांव की साइड पर मैं जाना था, हम जो फंसे, जो हमें गूगल मैप ने ट्रिक किया, पूरा का पूरा दिमाग घूम गया। बाकी मेरे भाई गले की ना बहुत नेक्स्ट लेवल धजिया उड़ी होगी, बाकी मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ व्लॉग डालने में, तो मैंने व्लॉग भी डालना है। तो अभी जो सीन है वो ऐसा है कि मैं निकल रहा हूँ देहरादून के लिए, ठीक है, फटाफट से व्लॉग एडिट करेंगे और देहरादून के लिए निकल जाएंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ उजाले में हम देहरादून पहुँच जाएँ, गाड़ी भी तो दिखानी है, लोगों के रिएक्शंस भी तो रिकॉर्ड करने हैं हाईवे पे। बाकी ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो गाड़ी आपको कैसी लगी। बाकी जिनसे मैंने गाड़ी रैप कराई है उनका नंबर भी मैं नीचे डाल रहा हूँ, अगर आपको रैप करानी होगी तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लव यू।